गया, उठ गया स्टैंड, और फिर इधर ना मैं यहाँ पर रख लेता हूँ डंडा, और फिर उसके बाद ना ये मैंने स्टैंड लगाने के लिए मेरे को डंडा यूज करना पड़ता है ऐसे। और फिर सो गाइस, मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कि आप हैंडीकैप्ड हो तो स्कूटी कैसे चला लेते हो। तो भाई पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं तो कोई भी चीज़ों में हार नहीं मानता, क्योंकि मेरा ना एक पैर ही ख़राब है। और मैं यहाँ तक कि देखा हूँ कि बहुत लोगों का दोनों पैर ख़राब है तो भी वो लोग गाड़ी चला लेते हैं, यहाँ टू व्हीलर की जगह पे फोर व्हीलर भी चला लेते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मेरा तो एक ही पैर ख़राब है तो मैं क्यों हौसला छोड़ूँ, तो मैं अपना लगा रहा और फिर धीरे धीरे करके मैंने सीख गया। तो सीखने का तो कोई बड़ी रीज़न नहीं है, मैं बचपन में मेरे भैया साइकिल चलाने सिखाते थे, तो जब मेरा पैर ना पूरा पहुंचने लगा, जब मैं साइकिल चलाने सीख गया, उसके बाद अब साइकिल से ही प्रैक्टिस हो गया था। तो मेरे को स्कूटी भैया लाए थे एक दिन, तो उनसे मैंने बोला कि भैया मेरे को एक बार दे दो देखने के लिए मैं चला पाता हूँ या नहीं। तो मैंने पहला दिन ही चलाया तो साइकिल से बहुत ज़्यादा ये आसान पड़ी मेरे को चलाने के लिए, तो मैंने सीख गया था 2019 में मैंने सीख गया था। और ये स्कूटी मैंने 2020 में ना हमने ले लिया था अपना स्कूटी, तो फाइनल मैं अपना स्कूटी ही चलाया। दूसरे का तो एक दिन ही चला, एक दिन नहीं बस सोचिए कि 15-20 मिनट चलाया था, फिर अपना स्कूटी ले लिया, फिर अपने स्कूटी पे हाथ साफ़ किया, फिर अच्छे से मैंने चलाना सीख गया। यही मैं बताना चाहता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हार नहीं मानना चाहिए। जैसे कोई कहता है कि मेरे को ना ये प्रॉब्लम है, मैं नहीं कर पाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो इंसान जो चलाने के लिए चाहे वो चला सकता है, कुछ भी चला सकता है। यहाँ तक कि एक अमेरिका का कोई है, उसका ना पैर भी नहीं है और हाथ भी नहीं है, तो उसने ना फोर व्हीलर चला लेता है जब तक दोनों पैर और दोनों हाथ नहीं है। तो कोई भी काम करने से पहले हौसला नहीं हारना चाहिए, इंसान को कोशिश करते रहना चाहिए, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोशिश तो कर लेना चाहिए। तो इसीलिए मैंने कोशिश किया और मैं यहाँ तक ना सीख गया, और मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चलाता हूँ। ये देख सकते हैं मैं ऐसे डंडा से चलता हूँ, ये ऐसे चलता हूँ, मैं इधर से आता हूँ, फिर मैं ऐसे बैठता हूँ, यहाँ पे ऐसे बैठा और फिर ऐसे सीधा किया, ये डंडे के सहारे से सीधा करता हूँ, और फिर ये पैर है ना मेरा उल्टा वाला, मैं इस पे रख लिया, और फिर उसके बाद मैंने ऐसे किया चलाने के लिए, और उसके बाद मैंने स्टैंड को भी ना डंडे से ही उठाता हूँ, तो ऐसे किया, उठ गया स्टैंड, और फिर इधर ना मैं यहाँ पर रख लेता हूँ डंडा, और फिर उसके बाद ना ये मैंने सेल्फ दबाया, इसमें ये किक वाला नहीं सिस्टम है, किक तो मेरे से लगता नहीं, तो इसलिए मैंने सेल्फ वाली गाड़ी ली थी। और फिर उसके बाद ना नॉर्मल में ही मैं चला पाता हूँ, आप देखिए ऐसे मैं चलाता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैं आराम से चला लेता हूँ, प्रियंका भी और बाबू भी बैठ जाते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे को यही पैर मेरा काम आता है, मैं उस साइड वाले पैर को यूज नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि गाड़ी ना उस साइड नहीं रखता, ज़्यादा डाउन इसी साइड करके रखता हूँ कि जो मेरे बैलेंस बना रहे, और बैलेंस भी बनता है। और दूसरी चीज़ स्टैंड लगाने के लिए फिर मेरे को डंडा यूज करना पड़ता है ऐसे, और फिर ये स्टैंड लग गया ऐसे, मैं उस साइड नहीं झुका कर रखता हूँ क्योंकि उधर मेरा पैर काम नहीं करेगा, तो मैं इसीलिए ये पैर को यूज करता हूँ, और ये पैर इस साइड बैलेंस बना लेता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइज, आपने देख लिया होगा कि मैं कैसे स्कूटी चलाता हूँ, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड पूछ रहे थे कि आप स्कूटी कैसे चलाते हो, तो मैंने सोचा कि चलो इस टॉपिक पे मैं वीडियो ही बना दूँ कि मैं कैसे स्कूटी चलाता हूँ, और जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी पता चल जाना चाहिए कि मैं एक हैंडीकैप्ड होके और मैं कैसे स्कूटी चलाता हूँ और मेरे को दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ तक कि स्कूटी नहीं, मैं और भी गाड़ी चला लेता हूँ, जैसे मैंने तो गाड़ी चेक किया हूँ चलाने के लिए, एक ट्रैक्टर, और कोई फोर व्हीलर तो मैंने कभी नहीं चलाया हूँ, लेकिन ट्रैक्टर चला लिया हूँ और स्कूटी चलाया हूँ, बाइक भी चला लेता हूँ एक पैर से। तो मैं अपने आप को हार नहीं मानता कि मैं एक हैंडीकैप्ड हूँ और मैं कैसे चला पाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, हौसला है तो कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं अपनी हार नहीं मानता कभी भी। तो आप भी कोशिश करेंगे, यदि आप भी कोई चीज़ सोचते हैं कि मैं चला पाऊँगा या नहीं चला पाऊँगा, तो कोशिश करके देखिए, कोई भी बड़ी चीज़ें नहीं होती है इस दुनिया में,
कोई भी चीज़ें आपको मुश्किल नहीं है, वो सब आसान है, बस आपके एक सोच के ऊपर निर्भर करता है कि आप सोच क्या रहे हैं। छोटी सी काम के लिए आप बड़ी सोचेंगे तो वो बड़ी है, और बड़ी काम के लिए छोटी सोचेंगे तो वो छोटी है। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई लोग साइकिल से डरता है चलाने के लिए, और कोई ना, अब जैसे मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, मेरा एक पैर होके भी मैं स्कूटी चला लेता हूँ। सो गाइस, आप देख लिए हैं पूरा फाइनल वीडियो। हम एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं कि हम अगली वीडियो मतलब अपने ऊपर लेके आएंगे, तो जो आपको एक अलग चीज़ें सिखाएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं अभी ये टू व्हीलर चलाता हूँ, तो मैं हौसला नहीं हारता, मैं आपको फोर व्हीलर भी चला के दिखाऊंगा। कभी भी मैं फोर व्हीलर नहीं चलाया हूँ, जिस दिन पहले दिन चलाऊंगा उसी दिन वीडियो बना के आपको दिखाऊंगा, और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि मैं चला पाऊंगा। तो सो गाइस, आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, और आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करके जाना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं हम जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।